चुनाव में मात्र 3 महीने का समय बचा है आचार संहिता लगने में, और भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बड़ा दिन था। तकरीबन 1 दर्जन अधिकारी, भूतपूर्व अधिकारी और सीकर के भूतपूर्व सांसद सुभाष मेहरिया ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। ज़्यादा बात करने के लिए खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब हमारे साथ में। सर, चुनाव बहुत नज़दीक है, बिगुल फूक चुके हैं, मोदी जी यात्राएं कर रहे हैं लगातार राजस्थान की, ऐसे में कई सीनियर नेता वापस आए सुभाष मेहरिया जी को लेकर। देखिए, ये संकेत साफ है कि ये कारवा बढ़ चला है और ये एक शुरुआत है, और भी अनेक लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए आतुर हैं, और ये संकेत साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी 2023 में कमल खिलाने वाली है। आज भारतीय जनता पार्टी के देशव्यापी इतना बड़ा व्याप है और नरेंद्र मोदी जी के प्रति अगाढ़ विश्वास और आस्था देश के लोगों की है, और उन्हीं के कारण आज सुभाष मेहरिया जी और कई रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अधिकारी, कई युवा नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार से राजस्थान में 4.5 वर्षों में वादा खिलाफी हुई है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है, सब लोगों को लगता है कि राजस्थान में 2018 में कांग्रेस पार्टी धोखे के साथ आई, वादा किया और वादा निभाया नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब भी जो कहा वो करके दिखाया, कथनी और करनी में फर्क नहीं है। सर, एक सवाल ये भी, अफवाहों का बाजार आज के लिए भी गर्म है और चर्चाएं ये चल रही है कि सचिन पायलट भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से टच में, जितिन प्रसाद का नाम आता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आता है, क्या उनके लिए भी दरवाजे खुल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहा है? देखिए, सिंधिया जी और जितिन प्रसाद जी तो आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में और स्टेट में मिनिस्टर हैं, तो देखिए आने वाला समय दिखाएगा कि और कितने लोग भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी ये कहती है, जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी चुनावी मोड में है, प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, गृह मंत्री यहाँ पे कई यात्राएं कर गए, ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो फूट है वो आने वाले चुनाव में वो भारी पड़ेगी आने वाले चुनाव। ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो फूट है आपस में, जो कांग्रेस आरोप लगाती है अक्सर, तो आप उस पर कैसे देखते हैं? फूट किसको कहते हैं? फूट तो उसको कहते हैं जो एक दूसरे को निकम्मा और निकारा कहते हैं, गद्दार कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की कोई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एकजुट थी और एकजुट है। इन्हें हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एकजुट है, और सचिन पायलट के सवाल को उन्होंने बड़े खामोशी से ना हाँ कहा ना कहा। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ जयपुर से जयकिशन शर्मा।